अगर आप लोग भी मामूली चीजों को देख देखकर थक चुके हो तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सदियों पुराना चक्की साटा निकालने का तरीका। जी हाँ, 10-20 साल पुराना नहीं, 600 साल पुराना चक्की साटा निकालने का तरीका। और आज की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जनरेट भी नहीं हुई है, ना कोई ऐसी चक्की बनाई गई है जो इस पुरानी चक्की को टक्कर भी दे सके। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, जबरदस्त मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। अब इंजन को देखकर ये मत बोलिएगा कि 600 साल पहले इंजन भी होते थे क्या? ये केवल गेहूं को साफ करने के लिए मशीन है, 600 साल पुरानी तकनीक इसके बाद आएगी। तो आटा को पीसने के लिए देखिए, सबसे पहले अपने गेहूं ले लिए गए एक बड़े से कंटेनर के अंदर। कंटेनर में गेहूं को भरने के बाद अब इन गेहूं को मशीन के अंदर डाला जाएगा। इस मशीन के अंदर इसलिए डाला जा रहा है ताकि हमारे गेहूं अच्छे से साफ हो सके। अब आप लोग ये सोचोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ये तो हर जगह होता है। पर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस तरीके से इन गेहूं को आज के समय में बिल्कुल भी साफ नहीं किया जाता, जैसे कि यहां पर किया जाता है। गेहूं को डालने के बाद अब नीचे की साइड अपना गेहूं अच्छे से साफ होकर निकलता रहेगा। जितना भी गेहूं के अंदर मिट्टी या कंकड़ वगैरह होता है, पीछे की तरफ से सब मिट्टी साफ हो जाती है और इधर अपना गेहूं अच्छे से साफ होकर निकलता रहता है। साफ करने के बाद इस गेहूं को लेकर आया जाएगा इस मशीन पे पीसने के लिए। जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहां पर आटा पीसने वाली चक्कियां लगी हुई है और इन चक्कियों को जो आटा पीसा जाएगा उसके लिए बिजली की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आटा पीसा जाएगा इस पानी से। सामने आप लोगों को ये पानी नजर आ रहा होगा, ये नहर का पानी है जो कि पठानकोट से आ रहा है और लाहौल की तरफ जा रहा है। इस पानी की गति ऊर्जा से सब चक्कियां चलेंगी। तो देखिए, ये पानी का बहराज है, इसमें ऊपर से पानी नीचे गिरता है और इस पानी के नीचे गिरने से ऊर्जा पैदा होती है और उसी ऊर्जा से यहां पर सारी चक्कियों को चलाया जाता है। और यहां चक्की को स्टार्ट करने का तरीका भी सबसे अलग है, पानी जाता है यहां पर बंद रहता है। जब ये बड़ी सी लकड़ी